हाँ ऐसा ही रवि भाई, राम राम। वकील साहब राम राम। वकील साहब आ देसाई रवि भाई नी गाय कांकरेज गाय 3 महीना नी वियाली साँध नू 9 किलो 840 ग्राम हतु लगभग। अत्यारे 9 किलो 380 के 480 आजूबाजू एवं कहीं हतु। एटले अपना विस्तार नी अंदर कांकरेज गाय भैंस नी तो आपी रही मोटी संख्या में। लोक जागृति लगभग अपना एरिया में घना खरा लोगों की मान्यता एवज थी। 70% लोग एवं कहता है कि हमें भैंस में 7 लीटर थी ऊपर क्यारे दूध जो नथी अने गाय में 6 लीटर थी ऊपर। एटले बड़ी संख्या में पशुधन एवं है गाय होय के भैंस जे 8, 9, 10, 11 लीटर सुधी घणी गायो अने भैंसो छे अने आखा वर्षनी अंदर कंटीन्यू सारू दूध आपे। આ બંને ભેંસોની કોઈ કાળજી લેવાય નથી। લગભગ બંને ભેંસોના જ્યારે તાજી વિવાયેલી હતી ત્યારના ફોટા મૂકીશું। કારણ કે એક બે પશુ રાખતા હોય અને ખૂબ સેવા કરતા હોય પશુપાલકો અને આપણા એરિયામાં તો બહુ નાના છોકરા જેટલું જતન પશુપાલકો કરતા હોય પોતાના પશુનું તો એવું પશુ 50-60 પશુની સંખ્યામાં અને આ થોડો સૂકો પ્રદેશ વધારે છે બીજા થરાદ દિયોદર એરિયા કરતા તો એમ પણ આ સૂકા પ્રદેશની અંદર પણ થોડું લીલા એરિયાનું પિયત વિસ્તારનું પશુ હોય તો શેડ ઓછું થાય। આ બંને ભેંસો લીલા પ્રદેશની હતી, આ એક થરાદ વિસ્તારની છે।
पहली भैंस मकड़ाला गामनी है लवाणा भाई, लवाणा नी बाजू में लवाणा ने चीबड़ा वच्चे आवे। કહેવાનો મતલબ આ હાલ ઉનાળામાં આ ભેંસોને લીલો ઘાસચારો મળતો હોય અને બે ચાર પશુ રાખવાવાળા પશુપાલક જોડે હોય તો આજે પણ ટાઈમનું એક એક લીટર એટલે દિવસનું બે લીટર દૂધ વધારે ચોક્કસ હોય। છતાં પણ સારું ગણાય કારણ કે આ પાડી આ ભેંસની છે, આટલા ટાઈમની વિયાયેલી। લગભગ 3.5 મહિના આજુબાજુની ગાભણ છે। વાઘેલા મહેન્દ્રસિંહ જય માતાજી, ભરતસિંહજી રાજપૂત જય માતાજી। હા શંકરભાઈ ચૌધરીભાઈ રામ રામ। આ ભેંસ દૂધમાં આ બીજા નંબરવાળી દૂધ કરતાં આગળ હતી, પણ બીજા નંબરવાળીના દૂધ કરતાં આનું દૂધ વધારે હતું, પણ કાલે કોઈ કારણોસર અચાનક દૂધ ઘટી ગયું। ગમે કોઈ એનો ફિઝિકલી પ્રોબ્લેમ હશે, દાનાભાઈ દેસાઈ રામ રામ, દીપક ભગત ભાઈ રામ રામ, રાણાજી ગોહિલ ભાઈજી રામ રામ, મુકેશ સિંહજી રાજપૂત રામ રામ ભાઈજી। હા જો દીપક ભગત નામ બોલા મેને, વો ભાઈ પાકિસ્તાન કે અપને બોર્ડર એરિયા યહાં સે બિલકુલ નજદીક પડતા હૈ મીઠી, वो मिट्टी से है और वो भी अच्छे अच्छे पशु रखते हैं। ये फेसबुक पेज के माध्यम से हमारी एक दूसरों की पहचान हुई है और भाई भी बहुत अच्छा शौक रखते हैं पशु का।
क्योंकि पहले तो ये हमारा बिल्कुल नज़दीक वाला एरिया था, लेकिन ये सीमाएं सील हो गई, उसके बाद ये बंटवारे में आना जाना एक दूसरे का बंद हो गया। लेकिन ये अपना जो विस्तार कच्छ नारायण सरोवर तक जो सामने वाली साइड पर पाकिस्तान का जो हिस्सा लगता है, वहाँ पर ऐसी गाय भैंस होती है, ज़्यादातर दोनों एक ही नस्ल है, लेकिन बंटवारे में अलग हो गई दोनों। मैं ला डो वजन कर ना साल है हमको किलो न बाट में नवाणु ग्राम मुको है रेड बाट ले ले जीरो सात किलो 680 ग्राम बाट में आठ किलो 680 ग्राम किलो न बाट बाट में सात किलो 680 ग्राम नहीं नहीं फटाक डोल पलटा सिंह राजपूत भाई जी जय माता जी जय माता जी। रमेश चौधरी खारा राम राम भाई अच्छा
वाहे गुरु भाई जी। रचित पटेल, राम राम भाई। पीएम चौधरी, राम राम भाई। रमेश सिंह चौहान, राम राम। भगत सिंह अत्री, राम राम भाई जी। दिन प्रतिदिन कठिनाइयों वाला आने वाला है, तो पुराने टाइम ये प्रदेश में जिसको राम मोल बोलते हैं, बारिश आधारित कृषि होती थी। फिर ट्यूबवेल हुए, नहर का पानी आया और जनसंख्या बढ़ती रही प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा। तो तीनों सीजन उत्पादन लेने से जमीन की गुणवत्ता भी थोड़ी वीक हुई और जनसंख्या बढ़ने से जमीन भी दिन प्रतिदिन छोटी होती रही। तो हमारा बाबर, दियोदर, थरा ये तहसील में किसानों ने बागायती खेती चालू किया, तो इसमें अनार ज़्यादातर थराद तहसील में, तो मोस्टली 100% किसानों ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अनार रखा है खेत में। और जहां 3 एकड़ में से एक सीजन का 1 लाख रुपयों का उत्पादन ले, आसान तरीका ढूंढना ही होगा। कम पशु रखे और ज़्यादा उत्पादन मिले। जो 10 पशु रख के डेयरी में दूध डालते हैं, उसी के हिसाब से 5 पशु रख के उतना ही बेनिफिट मिले, ऐसा ही काम करना होगा। वरना आज की ये महंगाई और लेबर प्रॉब्लम, बहुत सी कठिनाइयां हैं। अभी चलने के लिए 10 की जगह 10 ऐसे जानवर रखो और अच्छा ब्रीडिंग और अच्छी नस्ल का पशु रख के खुद आत्मनिर्भर बनो। और आपके कुछ गाइडेंस आज बहुत लंबा चल रहा है कि जो तुरंत आमदनी दे ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज से एक क्रेज चालू हुआ था, उसी में सब HF का ट्रिंग करते थे। और अच्छा हुआ कि लोग भी जागरूक हो गए, गवर्नमेंट भी जागरूक हो गई। वाला काम और ज्यादा फोकस किया कांकरेज पर, तो आज उसका रिजल्ट क्या मिला, 1 महीने के अंदर हमारे पेज ग्रुप में ही ये लगभग 6th-7th मिल्किंग है, जो 16 से की गाय मिल्किंग कर रही, वो आज के टाइम में HF की बराबरी की। शायद ये जागरूकता नहीं आई होती और HF वाला क्रेज में लोग डूब गए होते, तो आज कांकरेज नस्ल खत्म। और आने वाले टाइम में भैंस की बराबरी की हो जाएगी कांकरेज गाय,
ये नेटवर्क प्रॉब्लम था, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था, नेटवर्क टूट रहा था, इसलिए बात करना बंद कर दिया था। हाँ, और आजकल क्रॉस ब्रीडिंग का क्रेज, लाइन मुकी ली, लाइव चालू है, हमने फोन करूं। सात किलो तीन ग्राम सात किलो चालीस ग्राम आठ चालीस एक किलो ले ले, सात तीस ठीक है। तो अगर टाइम रहा तो शाम को फिर मिल्किंग होएगी, वरना तो ये एक हर महीने के रूटीन के हिसाब से दिखा रहे थे। ठीक है।